प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। तो ये अगर दो रेखाओं के समीकरण ये है, प्रतिच्छेद मीन्स एक दूसरे को काटने वाली रेखा। तो दो रेखा प्रतिच्छेद अगर करती है तो उसका मतलब इसका एक हल होगा, जितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया उतने हल होंगे, एक हल होगा, एक हल होगा। दूसरी चीज, अगर हल होता है, अगर हल होता है तो हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, संगत। ठीक है, अब चेक करना, हमने कैसे चेक करना है कि ये इस रेखा मेरी प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है। ठीक है, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका मतलब है रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इससे क्या लिखोगे कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा संगत है, एक ही हल है। ठीक है, तो हल होने का मतलब क्या है, संगत। ठीक है, तो ये तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे बोला है x+3y+4=0, और एक है 2x+5y+6=0। तो पहला काम A1 A2 ये सारी चीज लिखने का। तो पहले समीकरण में जो x के साथ नंबर है वो होगा A1, y के साथ नंबर है B1, और लास्ट वाला नंबर है C1। दूसरे समीकरण में x के साथ जो नंबर है वो है A2, ठीक है, और y के साथ जो नंबर है वो है B2 और C2 ये आया 6 है। तो अब क्या निकालो, पहले निकालो A1 बटा A2। A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है। उसी तरह निकालो B1 बटा B2, B1 का मान 3 है, B2 का मान 5। मैंने क्या देखा, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है, ये चीज आई है, ठीक है, ये तो इससे क्या क्या निकला हमारा कि मेरी रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद करती है, इसका एक हल है, अगर हल होता है तो इसका मतलब क्या है, संगत है। यहां से तीन चीजें निकलेगी, पहली चीज रेखा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अगर प्रतिच्छेद करती है जितनी, तो प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटती है, इसका मतलब एक ही जगह पे काटा, रेखा रेखाओं के, रेखा के एक हल है। अगर हल होता है तो इसका मतलब क्या है, रेखा क्या है, संगत है, रेखा संगत है। ये चीज सबको समझ आई, किसी को इसमें दिक्कत? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या पढ़ाया था मैंने, कि नेक्स्ट पढ़ाया था आपको समांतर रेखा। समांतर रेखा मीन्स एक दूसरे को जो कहीं नहीं काटती। अगर कहीं नहीं काटती इसका मतलब कोई हल नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है। अगली चीज, अगर हल नहीं होता उसे बोलते असंगत। और ये किससे पता चलता है, अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है
तो मेरी रेखा क्या होगी? समांतर होगी, रेखा मेरी होगी समांतर। इसका कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को ये काट ही नहीं रही है, और इसे बोलेंगे असंगत। और ये कैसे पता चलेगा? इस चीज से पता चलेगा, ये कंडीशन जो नीचे लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ठीक यस सर, है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे बोला 2x+3y+6, 4x+8y+5, ये दो रेखा है। तो मुझे बताना है कि ये समांतर है कि नहीं है, ये चीज चेक करनी है। तो मैंने क्या बोला है? जो पहली रेखा में A1 क्या होगा? X के साथ वाला नंबर। B1 क्या होगा? Y के साथ वाला नंबर। और C1 क्या होगा? लास्ट वाला नंबर। A2 क्या होगा? X के साथ वाला नंबर। B2 क्या होगा? Y के साथ वाला नंबर। C2 क्या होगा? लास्ट वाला। वही चीज अब निकालो। A1 बटा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ, A1 बटा 2 बटा 4 और 3 बटा 6। चलो या चलो A1 बटा A2 निकालते हैं। A1 बटा A2 2 बटे 4, B1 बटा B2 3 बटे 8, 2 बटे 4 का मतलब होगा 1 बटा 2। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं आए, तो जो हमने पहले पढ़ा था ये वही वाली रेखा है। ये कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखा। ये पहले वाली है जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होता तो मैंने क्या बताया था कि ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद रेखा है। दूसरी चीज, अगर प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होगा, एक हल है। अगर हल है तो इसका मतलब क्या है? संगत। ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सेम क्वेश्चन होगा, वही वाला। x+2y+4=0, 3x+6y+5=0। तो अब जल्दी से जल्दी जल्दी हम इसमें ए वन ए टू लिख लेते हैं। ए वन आया आपका 1, क्योंकि इसके एक्स के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। B1 आया 2, C1 आया 4, A2 आया 3, B2 आया 6, C2 आया 5। तो पहले लिखते हैं A1 बटा A2, A1 बटा A2। A1 का मान 1, A2 का मान 3, तो 1/3। B1 बटा B2 2/6, 1/3। C1 बटा C2 4/5। मैंने क्या देखा? मैंने क्या देखा कि A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान बराबर है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। ठीक है, पर ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। देख सकते हो A1 बटा A2 क्या आ रहा है? 1/3। B1 बटा B2 भी 1/3। ये दोनों बराबर आ रहा है, पर ये बराबर नहीं होगा 4/5। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ये वाली, ठीक है, तो ये क्या होगी? समांतर रेखा। ये देखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेखा कैसे होगी? समांतर। समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? असंगत बोलते। ठीक है, तो यहां से लिख लोगे हमारी रेखाएं क्या होगी? समांतर। रेखा समांतर होगी। दूसरी चीज, पहली चीज ये, दूसरी चीज, समांतर होती है तो कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा।
अगर हल नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? असंगत चीज। तो ये हमारा लास्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने? और ये चीज समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट चीज पढ़ी थी हमने संपाती रेखाएं। उस रेखा को संपाती बोलते हैं जो एक दूसरे के ऊपर हो। जैसे पहली रेखा ये है, इसके ऊपर अगर कोई दूसरी रेखा है उसे बोलेंगे संपाती रेखा। इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? संपाती रेखा। तो अब अगर संपाती रेखा है तो ये कितने पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है? इसके दोनों रेखाओं के कितने पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है? सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट, सारे बिंदु दोनों रेखाओं के एक दूसरे के ऊपर है। और जितने पॉइंट एक दूसरे के ऊपर होते हैं उतनी आपकी क्या होती है? उतने आपके हल होते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल है मतलब हल है इसका, इसे क्या बोलते हैं? संगत। और अगर संगत है तो अब पहले देख, इसको संगत ये सारी चीज चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। ठीक है, तो यही है संपाती रेखा। मींस दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर मतलब सारे पॉइंट आ रहे हैं दोनों रेखाओं के, इसका मतलब क्या है? इसके सारे हल होंगे जितने भी पॉइंट होंगे लाइन के ऊपर। तो लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है? बहुत सारे पॉइंट है जिन्हें मैं काउंट नहीं कर सकता। इसके कितने हल होंगे? तब अनेक हल होंगे। हल होगा तो इसका मतलब क्या है? संगत। ये सारी चीज किसे चेक करोगे? इससे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। x+2y+3=0, 2x+4y+6=0। ठीक है, तो इसे चेक करना है। तो पहले A1 लिखो 1, B1 क्या है 2, C1 क्या है 3, A2 क्या है 2, B2 क्या है 4, C2 क्या है 6। ठीक है, A1 बटा A2, A1 1 है, A2 क्या है 2, B1 बटा B2 2/4, 1/2, इसे काट लिया ये आया। ठीक है, और उसके बाद C1 बटा C2, C1 क्या है 3, C2 क्या है 6, 3 × 3, 3 × 6, तो 1/2। तो मैंने क्या देखा, मैं क्या देख रहा हूँ कि जो A1 बटा A2 भी क्या आया 1/2, B1 बटा B2 भी क्या आया 1/2, C1 बटा C2 भी क्या आया 1/2। मैंने क्या देखा कि तीनों मान बराबर आए। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। अगर तीनों चीज बराबर आती है तो मेरी रेखा क्या होती है? संपाती, संपाती रेखा होती है। पहली चीज, अगर रेखा संपाती है तो उसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। अगर अनेक हल है, ठीक है, अगर मतलब हल आया, इसका मतलब क्या है? आप बोलेंगे संगत। तो यहां से तीन आंसर आए। तो ये चीज हमने कल तक पढ़ी थी, ठीक है, मैंने रिवाइज करा दिए, तो आप और डिटेल में रिवाइज कराइए, ध्यान रखना। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दोबारा देख लेना। अब और इसी के बेस पे हमने क्वेश्चन किए थे 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया था, 3 भी कंप्लीट कर लिया था, 4 भी कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। अब कुछ नहीं लगाना है ये चीज, ठीक है, आपने ओनली ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ग्राफ बनाना है, 6 में भी ग्राफ बनाना है, 7 में भी ग्राफ बनाना है। और इसके साथ, इन तीनों क्वेश्चन के साथ हमारा 3.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो एक पार्ट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, दूसरा पार्ट खुद करना आपने।
तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। तो टोटल कितने विद्यार्थी है? 10 कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। अब उसके बाद बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो माना लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या मान दे पहले, माना लड़कों की संख्या एक्स, माना लड़कियों की संख्या वाई, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से। तो अगर मैं लड़के मानता हूं मैं एक्स, अगर मैं लड़कों की संख्या में मैं 4 जमा कर दूं तभी वो लड़कियों के बराबर आएगी, ठीक है, ये चीज समझ आई। क्योंकि लड़कों की संख्या में मैं अगर 4 जमा कर दूं तभी वो लड़कियों की संख्या के बराबर आएगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो ये बना मेरा एक रेखीय समीकरण बन गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी सोच सकते इसे आप कि ज्यादा कौन है? लड़कियां हैं। अगर लड़कियों की संख्या में से मैं लड़कों की संख्या माइनस कर दूं, अगर लड़कियों की संख्या में से मैं मतलब ज्यादा संख्या में से कम संख्या माइनस कर दूं, तो उत्तर क्या आना चाहिए मेरा? 4 आना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़कियों में 4 का अंतर है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज एक जैसी है, ठीक है, ये चीज। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि वाई को दूसरी साइड ले जाता हूं, एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर है 0, ये बना। तो अब मुझे क्या करना है, इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ये तो हो गई एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या बोली है कि कुल कितनी संख्या है, दो इक्वेशन बनेगी। कुल कितनी मेरे पास स्ट्रेंथ है स्कूल की, जो मेरे पास परीक्षा में भाग ले रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, 10 है टोटल, 10 है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या जमा लड़कियों की संख्या बराबर है 10। लड़के कितने हैं? एक्स। लड़कियां कितनी हैं? वाई बराबर है 10। तो एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई, दोनों का ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो पहले बनाते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर है 0 का। तो ग्राफ बनाना मैंने सिखाया है पहले, एक्स और वाई, एक्स का मान मैंने 0 रखा, जैसे मैं एक्स का मान 0 रखता हूँ, 0 माइनस वाई प्लस 4 बराबर है 0, माइनस वाई प्लस 4 बराबर है 0, और माइनस वाई बराबर है माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान क्या है? 4। जब एक्स का मान मैंने 0 रखा तो वाई का मान आया 4। तो एक बार वाई का मान 0 रख लेते हैं, ठीक है, वाई का मान मैं 0 रखता हूँ, ये आया एक्स माइनस 0 प्लस 4 बराबर है 0, एक्स प्लस 4 बराबर है 0, एक्स बराबर है माइनस 4, ये आया। तो ये पहली इसके लिए आया, ये पहली इक्वेशन के लिए। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी रख देते हैं 5, माइनस का 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 लिखते थे। तो एक्स की वैल्यू है 0,
एक्स की वैल्यू है 0, तो मुझे एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं जाना है, और वाई पे कहाँ जाना है, 4 पे, तो एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं, वाई पे 4 पे, तो ये है 0.4 मेरा पॉइंट। दूसरा है एक्स की वैल्यू है -4, एक्स पे जाना है मुझे -4 पे, एक्स एक्सिस पे गया मैं -4 पे, और वाई पे मुझे कहीं नहीं जाना है, वाई पे ये, तो इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन ये, यहाँ लिख देना, ये वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी आई मेरी, एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर है 0, ये एक लाइन आई। अब दूसरी लाइन इसी के ऊपर बनानी है, दूसरी लाइन के एक्स प्लस वाई बराबर है 10, तो इसको बनाते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर है 10। अब ध्यान से बनाना, कोई भी पॉइंट आप पुट कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ आसान आसान से पॉइंट पुट करता हूँ जो छोटे छोटे आंसर आए, ठीक है, एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ अपने आप 6, एक्स की जगह 6 मैं पुट करता हूँ, तो 6 प्लस वाई बराबर है 10, वाई बराबर है 10 माइनस 6, वाई बराबर है 4, तो एक्स की जगह 6 पुट किया, वाई की वैल्यू 4, वाई की जगह, अब एक्स की जगह और पुट कर लो कुछ, एक्स की जगह पुट करता हूँ मैं 5, दिया 5 प्लस वाई बराबर है 5, बराबर है 10 सॉरी, तो y बराबर है 10 माइनस 5, y बराबर है 5, तो ये क्या है 5.5, तो पहला पॉइंट है 6.4, x एक्सिस पे मुझे 6 पे जाना है और y एक्सिस पे 4, तो 6 कहीं इधर आएगा, x एक्सिस पे मुझे 6 पे जाना है और y एक्सिस पे 4 पे, तो 4 ये है, तो ये वाला पॉइंट आएगा इधर। उसके बाद एक्स एक्सिस दूसरा पॉइंट क्या था, 5.5, ये वाला, एक्स एक्सिस पे भी 5 जाना है और वाई एक्सिस पे भी 5 जाना है, एक्स एक्सिस पे 5 इधर, एक्स एक्सिस पे मैं 5 पे गया और वाई एक्सिस की तरफ भी मैं 5 पे गया, तो ये आएगा इधर की, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं गया, ये आया गड़बड़ थोड़ा सा, एक्स पे 6 ना, सही है बिल्कुल सही है, तो इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन, ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। तो देखो हमने यहाँ प्रॉपर मार्किंग नहीं की है, तो ये ग्राफ सही नहीं बनाई है, मैं पहले बता दूँ, ठीक है, ये ग्राफ सही नहीं बना है, मतलब आंसर जो आएगा इसका ये वाला आएगा जहाँ इंटरसेक्ट करते ये वाला, तो ये आंसर मेरे हिसाब से 8.4 या 4.8 होना चाहिए, 4.8, 4.8 भी नहीं, 10 है टोटल, तो इसको जब आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, एक्स और वाई की वैल्यू बता देगा ये डायरेक्ट, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे मैं इतना गया, वाई एक्सिस में इतना गया, तो प्रॉपर आंसर बता देगा, शायद 6.4 ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 8.2, 6.4, तो ये देख लेना इसका आंसर, ठीक है, इसका ग्राफ आपने प्रॉपर बनाना है, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे तो दोनों का आंसर ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ हमने ग्राफ पेपर का यूज नहीं किया है, ठीक है, तो ये प्रॉपर आंसर नहीं देगा यहाँ, जब आप ग्राफ पेपर का यूज करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ये वाला, तो ये चीज समझ आई सबको, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने करा दिया, इसे आपने ग्राफ पेपर में बनाना है, ग्राफ पेपर पे वहाँ प्रॉपर आंसर आएगा इसका, पेपर पे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपने इसे बनाना है, प्रॉपर आंसर देगा वहाँ, दोनों को मैंने प्रॉपर सॉल्व कर दिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है इसके ऊपर, तो प्रॉपर आंसर देखना मुश्किल है इसके ऊपर इधर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है, ग्राफ ही बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, इसको भी ग्राफ पेपर से सॉल्व करना है, बोला है एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, एक आयताकार बाघ है ये, ठीक है, लंबाई एक्स मानो चौड़ाई वाई मानो, तो क्या बोला है, लंबाई मानो एक्स,
चौड़ाई मानो वाई, बोला है कि लंबाई चौड़ाई से चार अधिक है। मैंने क्या बोला, जो बड़ी चीज है यहाँ लंबाई बड़ी है उसमें से छोटी चीज घटाओ और कितने अधिक है, चार अधिक है, तो ये इक्वेशन बन गई पहली। और अर्ध परिमाप 36 है, तो देखो अब परिमाप क्या होता है, ठीक है, पहली चीज परिमाप पता होना चाहिए आपको, परिमाप क्या होता है आपका, जो ये रेखा है ये वाली, ये पूरी रेखा, इसको जमा कर लो, ये होता है आपका परिमाप, ठीक है, ये और ये परिमाप क्या होगा, एक्स जितना है यहाँ भी, ये भी एक्स, ये तो एक्स प्लस एक्स 2x, ये वाई है, ये भी वाई है, वाई प्लस वाई 2y, परिमाप होगा ये, दो यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है, इसे बाहर ले लो, एक्स प्लस वाई, ये हो गया परिमाप। पर बोला है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, तो आधा परिमाप मतलब इसको दो से भाग देना है, तो ये होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, आपका ये होगा अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप किसके बराबर दिया है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप किसके बराबर दिया है आपका, 36 मीटर के बराबर, 36 मीटर के बराबर, तो अर्ध परिमाप एक्स प्लस वाई बराबर है 36, ठीक है। बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ भी ग्राफ ही बनेगा आपका, ठीक है, तो यहाँ ग्राफ बनाना है आपने, इसे ग्राफ से सॉल्व करना है, अगर और भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, इसका इसका ग्राफ खुद बनाना है, दो इक्वेशन मैंने बना दी है, प्रॉपर ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, तो आपने एक्स माइनस वाई बराबर है 4 का और एक्स प्लस वाई बराबर है 36 का, दोनों का ग्राफ आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, जहां भी जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे वहां पे एक्स की वैल्यू देखोगे वाई की वैल्यू देखोगे, वो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है, ये चीज। तो ये पांचवा क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है, ये इक्वेशन बना के रखनी है, ठीक है, ये मैंने बना दी है, आगे मैं और मेथड बताऊंगा सॉल्व करने के, ठीक है, तो हम दूसरे मेथड से इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को, ठीक है, इसे हम दूसरे जैसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, एक एक को बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है, शायद विलोपन विधि कुछ ऐसे से बोलते हैं, तो उससे भी हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करने के लिए आता ही आता है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, किसी से भी, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का यूज करेंगे, ठीक है, ये पेपर में आता है, 90% चांस है इसके आने के। तो इक्वेशन मैंने बना दी है, तो अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये खुद बना सकते हो, एक रेखीय समीकरण, जैसे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रेखीय समीकरण ये दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर है 0, तो अब बोला है कि एक अपने आप आपने रेखीय समीकरण देना है, अपने आप देना है, ठीक है, और ऐसा देना है, पहला क्वेश्चन जो ये क्या करता है, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, प्रति छेद करती रेखा हो, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, ठीक है, तो अगर अब प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए मैंने क्या बोला है कि प्रतिच्छेद कब करती है, अगर देखो पहली रेखा तो ये है, अपने आप कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है, प्रतिच्छेद कब होती है, जब ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू के, ये बराबर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो अपने आप एग्जाम्पल कौन सा दोगे, अपने आप कौन सा उदाहरण लिखोगे, कोई भी लिख लो, 3x-15y +10 बराबर है 0, ठीक है, तो यहाँ ये, तब देखो ए वन बटा ए टू 2/3 बराबर नहीं है 3/-15 के, ये देख सकते हो, तो ये प्रतिच्छेद करती रेखा का एक एग्जाम्पल हुआ, तो ऐसे आप अनगिनत एग्जाम्पल खुद लिख सकते हो, तो छठे के पहले का आंसर है ये।
छठे के दूसरे का आंसर क्या बोला है? समांतर रेखा, समांतर रेखा, ऐसी रेखा देनी जो समांतर हो। समांतर में क्या बोला है मैंने? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ये रेखा क्या है? 2x+3y-8 = 0। तब ऐसा देना है, तो मैं स्टार्टिंग में 2x ही रखता हूँ, बाद में 3y रखता हूँ। और अब देखो A1 बटा A2 क्या आया? 2 बटा 2, ये आएगा 1। B1 बटा B2 ये बराबर ही आएगा, 3 बटे 3, ये भी 1 आएगा। अब C1 बटा C2 बराबर नहीं आना चाहिए, यहाँ लिखता हूँ मैं 10, कुछ भी ले सकते हो आप। तो अब ये क्या आएगा? -8 बटे 10, ठीक है। तो ये इसके बराबर नहीं आया। मैंने क्या देखा? ये चीज़ कि ये तीनों चीज़, ये दो तो बराबर है पर तीसरे के बराबर नहीं है। तो ये हो गया समांतर रेखा का। अब यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, बस -8 नहीं लिखना, बाकी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये समांतर रेखा का एक उदाहरण दे दिया। तीसरा है संपाती रेखा का उदाहरण देना है। संपाती रेखा के लिए तो 2x 3y-8। तो संपाती में क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, सारी चीज बराबर आनी चाहिए C1 बटा C। मैं क्या करता हूँ, इस पूरी क्वेश्चन को 2 से गुणा कर लेता हूँ। ये आएगा 4x 3 दूनी 6y 8 दूनी 16 बराबर है 0। तो A1 बटा A2 निकालो, A1 बटा A2 2/4, आंसर क्या आएगा? 1/2। B1 बटा B2 ये है B1 बटा B2, 3/6 = 1/2। C1 बटा C2 ये -8 बटे -16, आंसर क्या आएगा? 1/2। तो तीनों चीज बराबर आई, अगर तीनों चीज बराबर आए तो मेरी रेखाएं क्या होती है? संपाती। मतलब तो ये वाला उदाहरण मैंने संपाती का दिया। तो ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। तो ये अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 3.2 खत्म कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं, ग्राफ ही बनाना है, आसान है। 3.1 पहले खत्म कर चुके थे। अब कल से अब इस चैप्टर को खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा, कल 3.3 हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो आज क्लास को इधर ही खत्म करते हैं। और अगर किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, आदित्य, अंजलि, प्राची, किसी को समझ नहीं आया अगर? चलो क्लास को इधर ही खत्म करते हैं, बाय, थैंक यू सर, वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम।